अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमें देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, जिनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन, कौन कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। टू मैट्रिक्सेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन if the number of columns of first matrix are equal to number of rows of second matrix। तो multiplication के लिए criteria ये है कि जो दो हमारे पास matrices हैं उसमें से first matrix के जो column हैं वो equal होने चाहिए second matrix की row के। First matrix के number of columns should be equal to the नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी अगर पहले मैट्रिक्स के दो कॉलम हैं तो दूसरे मैट्रिक्स के जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसकी रोज दो होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कन्फर्मेबल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वन इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द फर्स्ट मैट्रिक्स हैज टू कॉलम्स एंड द सेकंड मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ रोज। ये जो पहला हमारे पास पेयर है मैट्रिक्सेस का, ये कन्फर्मेबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स की दो हमारे पास कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में दो ही रोज हैं, लिहाजा इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सेकंड इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द फर्स्ट मैट्रिक्स हैज टू कॉलम एंड द सेकंड मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ रोज। सेकंड भी कन्फर्मेबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में दो ही रोज हैं। आप देख सकते हैं कि पहले में दो कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में दो रोज हैं, तो ये भी कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द फर्स्ट मैट्रिक्स हैज जस्ट वन कॉलम एंड द सेकेंड मैट्रिक्स हैज टू रोज। जो हमारे पास थर्ड वाला पेयर है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि पहले वाले कॉलम में हमारे पास सिर्फ एक ही, पहले वाले मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, जबकि सेकंड वाले मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज हैं, तो इसलिए ये क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा, लिहाजा ये कन्फर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज द फर्स्ट मैट्रिक्स हैज two columns and the second matrix has the same number of rows। एंट्रीज को आप ना देखें, आप देखें कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है इसमें दो कॉलम है, आप देख सकते हैं ये एक और ये दो, और जो सेकेंड वाला हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज भी दो हैं, ये देखें एक और दो। फिफ्थ वन इज कन्फर्मेबल फॉर multiplication because the first matrix has three columns and the second matrix has the same number of rows। Fifth भी confirmable है क्योंकि हमारे पास पहले मैट्रिक्स में तीन कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में तीन रोज हैं, एक दो और तीन। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताना था कि इनमें से कौन से पेयर कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आगे जाके हम इनको मल्टीप्लाई भी करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल इलम सीखो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।